कटरीना कैफ होली में धमाल न करे भला ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, कटरीना होली में जमकर मस्ती करती नजर आई हाल ही में कंपनी के साथ एक खास इवेंट के दौरान। वही कटरीना जो कि जी सिने 2019 के रेड कार्पेट पर कहर ढाती नजर आई। वही कटरीना जो कार्तिक आर्यन और विकी कौशल के साथ जमकर ठुमके लगाती नजर आई। वही कटरीना जो विकी कौशल के हाउस द जोश का जवाब हाय सर बोलकर देती नजर आई। वही कटरीना कैफ जो कि सुपरस्टार सलमान खान की है सबसे क्लोज को-स्टार। वो कटरीना जो फिल्म भारत में आने वाले जून के महीने में ईद पर करेंगी धमाल सलमान खान की चहेती के साथ। वो कटरीना जो होली पर सलमान की जिंदगी में फिर राज करती नजर आई, क्योंकि इसका खुलासा सलमान ने इंस्टाग्राम पर कटरीना पर प्यार लुटाते हुए पोस्ट शेयर कर किया। आज हम जानेंगे उस कटरीना को आखिर गुस्सा कैसे आया और कैसे उन्होंने गुस्सा निकाला। जी हाँ, जब मालूम हुआ कि अब इंशाअल्लाह फिल्म में सलमान के साथ उनकी जगह नहीं होगी बल्कि उनकी जगह पर सलमान की आगामी फिल्म में होगी आलिया भट्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया और सलमान की पहली फिल्म की, वो है इंशाअल्लाह जो कि नेक्स्ट ईयर ई पर धमाल कर सकती है। ये है खबर, मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन हाल ही में कटरीना ने जो कहर ढाया है खूबसूरत गाउन में उन्होंने कर दिए गुड। जैसे ही कटरीना मीडिया के सामने आई वहां से नजरें चुराने की कोशिश में, वहां से दूरियां बनाने की कोशिश में मौका पाते ही कटरीना सबको करारा जवाब देकर बहाने बनाकर निकलती नजर आई। कारण ये था कि कटरीना के जस्ट पीछे थे डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जो कटरीना नहीं बल्कि सलमान खान के साथ आलिया भट्ट को चुन चुके हैं उनकी आने वाली फिल्म इंशाअल्लाह के लिए, जिसमें सलमान होंगे मिस्टर एंड मिसेस हो सकती है आलिया, यानी कि सलमान और कटरीना के बीच संजय लीला बना रहे हैं दूरिया। शायद यही बर्दाश्त नहीं कर पाई कटरीना। आइए एक नजर डालते हैं इस वीडियो पर, देखते हैं ये खास नजारा जी सिने अवार्ड 2019 के रेड कार्पेट का। बॉलीवुड की बारबी डॉल, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बारबी डॉल कटरीना कैफ के बारे में। रेड कार्पेट पर कहर ढाने के लिए कटरीना की खूबसूरती काफी है, जहाँ दीपिका पादुकोण से लेकर तमाम बॉलीवुड हसीनाएं नजर आईं, जहाँ पर ईशान खट्टर से लेकर नजर आए वहाँ दिया मिर्जा, जहाँ पूजा हेगड़े भी नजर आए, इस मौके पर दीपिका भी नजर आई, सनी लियोन तक नजर आई। लेकिन सोफी सनी लियोन बॉलीवुड एक्टर्स के सामने कटरीना की जब एंट्री हुई तो सब ये देखते रह गए। जी हाँ, यकीन शायद आप ना करें लेकिन ये सच है, कटरीना की एंट्री लाजवाब थी। कटरीना की एंट्री ने सभी के दिलों को जीत लिया। कटरीना की जैसे ही एंट्री हुई सब दीवाने हो गए। सोनम कपूर अपने समय की एक्ट्रेसेस 30+ की एक्ट्रेसेस में सोनम कपूर को भी कड़ी टक्कर देती नजर आई कटरीना। मजे की बात तो यह है कि ऋतिक सैनन भी पहुंची लेकिन कटरीना का जादू चला। कटरीना जो कि संजय लीला भंसाली से दूरियां बनाती नजर आई, कहीं वो उन पर अपना गुस्सा ना निकाल दे इसी डर से। जी हाँ, संजय लीला भंसाली जिन्होंने सलमान और कटरीना को कर दिया है दूर और अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह, जिसमें होंगे उनके साथ आलिया भट्ट। यानी कि इस बार ईद पर तो कटरीना को सलमान का साथ मिल गया लेकिन अगले बार अगले ईद पर ये दोनों नहीं होंगे साथ, क्योंकि कटरीना कैफ नहीं आलिया होंगी सलमान के साथ फिल्म इंशाल्लाह में। यही वजह है कि शायद कटरीना थोड़ी सी खफा खफा संजय लीला भंसाली से नजर आई जो उनके पीछे थे, लेकिन कटरीना ने उनके साथ मुलाकात एक पल की नहीं की। कटरीना चली गई आगे और पीछे पीछे संजय लीला भंसाली एंट्री करते नजर आए। कटरीना ने जो जल्दबाजी में बहाने बनाकर मीडिया को कोई जवाब तक नहीं दिया, इससे लगता तो यही है कि कटरीना ही खफा संजय से, क्योंकि संजय ने कटरीना नहीं बल्कि चुना आलिया भट्ट को सलमान खान के अपोजिट उनकी उस फिल्म में जिसमें शादी का ड्रामा रोमांस कॉमेडी सब होगा।
हमारा स्पेशल शो बार्बी डॉल कैटरीना कैफ, उनके को स्टार सलमान खान, संजय लीला भंसाली, बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने फाइनेस्ट फिल्म दी है, जिन्होंने सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत में एक ऐसे डायरेक्टर का रोल प्ले किया है जिन्होंने उन्हें करीब लाया। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के बाद पूरे 20 साल बाद सलमान कर रहे हैं संजय के साथ काम, जिसके लिए छोड़ दिया है उन्होंने कटरीना का साथ। जी हाँ, संजय लीला भंसाली का सलमान खान के साथ हाथ मिलाना और कटरीना से सलमान का हाथ छूट जाना, भाई करता है इशारा कि कटरीना है सच में नाराज संजय लीला भंसाली से। खैर भाई, ये सच है और इस फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा कटरीना को, क्योंकि सलमान भी है सहमति दे चुके इस फैसले पर, तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। फिलहाल वक्त हो चला है वापसी, यही इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो का हम यही करते हैं द एंड, लौटेंगे जल्द आपके बीच ऐसे ही बॉलीवुड सितारों की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू कराने के लिए। तो देखते रहे आप तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।